सो हेलो एवरीबॉडी, कैसी है पब्लिक। आज हम लोग नया वीडियो देखे हैं जोमेटो शेयर के ऊपर। ओके, जोमेटो जूम 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 जोमेटो जोमेटो में हम लोग को क्या देखने को मिला है आज के दिन। हम लोग को रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है, और दोनों साइड से, एक साइड से नहीं, ऊपर से भी नीचे से भी दोनों तरफ से इसको रिजेक्शन मिली है यार। तो अब हम लोग क्या अगले लेवल देखने को मिलने है, क्या ये ऊपर जाएगा या ये वापस धड़ाम होकर वापस 30-40 रुपए पे आने वाली कोशिश कर रहा है, या ये 60 रुपए के पास तक जाने की कोशिश कर सकता है। पूरी आप लोग को वीडियो में एनालिसिस करके बताएंगे और क्या हम लोग फर्दर टारगेट्स मिलने वाले हैं। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ओके सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को हाईवी रिएक्शन डाउन साइड से देखने को मिला है। सो डाउन साइड से हाईवी रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सेलर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को प्राइस ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और बायर्स ने क्या कर रहा है, बायर्स ने डाउन साइड पुश कर रहा है बट उतना ज्यादा पुश नहीं कर पाए। अगर आप लोग देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो ये 21st ऑफ अप्रैल की ट्रेडिंग सेशन की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल थी और ये बुलिश मारुभूषा कैंडल थी। क्या थी बुलिश मारुभूषा? बुलिश मारुभूषा कैंडल क्या दिखाती है हम लोग को, पूरा क्लियर कट टू कट अपसाइड का सिनेरियो दिखाती है कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसका 55.30 का, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी थी। सो इसी वजह से मैंने कहा था ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आज के दिन देखिए मार्केट प्राइस ओपन यहाँ डाउन साइड 54.65 पे हुआ था, बट क्लोजिंग के टाइम देखिए इसने क्लोजिंग दी 56.56 रुपीज पे। और आज के दिन जो गिरावट है, ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं भाई, 0.05% की गिरावट है, और परसेंटेज में देखें 0.09% की गिरावट है। ओके सो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं है ये। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो कल का है उसमें क्या लेवल ध्यान में देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है उसको निकालने के लिए चलते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके वेट मिनट, ये सारी मैं ड्रॉइंग्स हटा देता हूँ, ज्यादा ड्रॉइंग्स हो गई देखो। ठीक, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, हम लोग का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन जो बनता हुआ है, वो डिमांड जोन बनता हुआ आ रहा है हम लोग का 55 रुपीज के आसपास। ओके इस ये जोन जो मैंने मार्क करा इसको माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट जोन है। और रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो रेजिस्टेंस हम लोग का एक जोन बनता हुआ रहा है। मैं जोन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए बार बार इस जोन से हाई वी रिजेक्शन कैंडल मिल रही है। ओके कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं मिल रही, इस पूरे पूरे जोन से मिल रही है। अगर आप लोग जोन का मतलब नहीं समझ पा रहे, ये कैंडल देखिए पूरे पूरे यहाँ पे जोन से मिल रही है, इस कैंडल को देखिए पूरे पूरे जोन से मिल रही है। सो जोन इसी वजह से मैंने एक बॉक्स मार्क करा है, बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसको बोलते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कैसे प्लान कराया जाता है, सो आप मुझको कमेंट बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ओके सो हम लोग को अभी ट्रेड नहीं करना है इसमें कोई भी, जब तक ये जोन के अंदर है। ओके और जैसे ये जोन का ब्रेकआउट देख अपसाइड का, तो हम लोग वेट करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, एग्रेसिवली एंट्री नहीं करनी, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, रिट्रेस करता उसके बाद एंट्री करनी, ताकि हम लोग को कंफर्मेशन हो जाए ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। बिकॉज देखिए अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो वापस एक कैंडल ऐसी बना देगा, फिर रिजेक्शन करके डाउन साइड आ जाएगा, जैसे यहाँ पे करा था। ओके सो हम लोग को फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है, अपना कैपिटल को बचाना है, ना कि कैपिटल वेस्ट करना है। ओके सो आई होप आप लोग को वीडियो में मैंने जितने लेवल्स बताए इन सारे लेवल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं। ओके सो थैंक यू जनता फॉर वॉचिंग आर टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड बी प्रॉफिटेबल गाइज़।